गाइस वेलकम टू द फूडी फॉलोअर्स। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम स्ट्रीट स्टाइल मसाला मैगी। बहुत ही स्पाइसी टैंगी, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बनेगी। खाने में बहुत टेस्टी है और बनाने में तो बहुत ही आसान है गाइस। बिल्कुल 5 मिनट रेसिपी है। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो यहाँ मैंने एक पैन में ऑयल लिया है, उसमें स्पून फाइनली चॉप गार्लिक, फाइनली चॉप अनियन अच्छे से सौते कर लेंगे हम इन्हें हाई फ्लेम पे। इसमें डाल दिया फाइनली चॉप कैप्सिकम, क्योंकि और भी वेजिटेबल्स आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसमें फाइनली चॉप टमेटो, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, और सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट्स के लिए इसे ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए मसाला बनके रेडी है। तो इसमें अब मैं ऐड कर दूंगी 2 कप पानी। गाइस जितने पैकेट आप मैगी बना रहे हैं एज पर उसी अकॉर्डिंग आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए, मैगी मसाला ऐड कर दीजिए। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ मैगी। इसे ढक के पकाएंगे तो ये और जल्दी पक जाएगी, खुला पकाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखिए 1 मिनट में ये सॉफ्ट हो गई है। तो इसे एक बार स्टिर करके मैं वापस से ढक के पकने के लिए छोड़ दूंगी। देखिए 2 मिनट्स में ये ऑलमोस्ट कुक है। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस, 1 टेबल स्पून टमाटो केचप और स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट। गाइस स्प्रिंग अनियन नहीं है तो आप नॉर्मल जो अनियन होता है ना वो भी बारीक कटा हुआ इस स्टेज पे डाल सकते हैं, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है थोड़ा कच्चे प्याज का। तो ये लीजिए गाइस मसाला मैगी स्ट्रीट स्टाइल बिल्कुल बनके रेडी है। 2 मिनट वाली रेसिपी है लेकिन खाने में बहुत आसान है। लास्ट में इसको फ्रेश कोरिएंडर के साथ गार्निश कीजिए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए और मज़ा लीजिए इस मैगी का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।